हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताएंगे, एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही यूजफुल होता है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए यूजफुल होता है। इसके फायदों के बारे में बताएंगे, क्या होता है ये इंजेक्शन और किस कितने रुपए का मिलता है, क्या इसके अंदर कॉम्पोजन होता है, क्या क्या फायदे होते हैं, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, लगाने का सही तरीका क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। एक एक चीज बारीकी से बताएंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इस वीडियो के बाद आपको कहीं और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस इंजेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फर्टिजाइन HP 5000 IU इंजेक्शन के बारे में। इसको जो मैन्युफैक्चरिंग किया दोस्तों, इस इंजेक्शन को जो बनाया, वो बनाया सन फार्मा ने। सन फार्मा इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, बनाती है। MRP की बात करते हैं इसकी, तो ये 438 रुपीज में आपको एक इंजेक्शन मिलता है। इसकी एक इंजेक्शन की कीमत जो होती है 438 रुपए होती है। कॉम्पोजन जो इसके अंदर रहता है, इसके अंदर कॉम्पोजन होगा होमियन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG जिसको बोला जाता है, और ये 5000 IU में होता है। IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट में। जितने भी हार्मोनल इंजेक्शन वगैरह होते हैं, दवाएं होती हैं, तो वो IU में ही आती हैं। IU का मतलब इंटरनेशनल यूनिट में। अब जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, इसके इस्तेमाल के बारे में कि कहां कहां इस इंजेक्शन को लगाने की सलाह दी जाती है। तो इस इंजेक्शन को ऐसी महिलाओं के अंदर लगाने की सलाह दी जाती है जिन महिलाओं को इनफर्टिलिटी की शिकायत है, मतलब इनफर्टिलिटी है उनको, उनको जो संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है या फिर उनके जो बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा, तो उन महिलाओं को ये इंजेक्शन लगाने की सलाह दी जाती है। और ये बहुत ही प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो गायनोकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा प्रिस्क्राइब करती हैं इस इंजेक्शन को। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट इसका लिया जाता है, वो लिया जाता है मेल हाइपोगोनिडिज्म में, जो पुरुषों के हाइपोगोनिडिज्म में इस इंजेक्शन को लगाने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही साथ ये एक्स डेवलपमेंट करने में भी हेल्प करता है, जो महिलाओं में महीने टू महीने जो एक्स बनते हैं, एक्स रिलीज होते हैं, अंडे जो बनते हैं उनकी ओवरी में, तो उसको डेवलप कराने में हेल्प करता है, जिससे कि उनके जो प्रेगनेंसी के या फिर कंसीव होने के जो चांसेस हैं वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। ओवुलेशन को इंक्रीज कराता है, ये ओवुलेशन जो है, जो ओवुलेशन होता है हर मंथ, तो उसको इंक्रीज कराता, बढ़ावा देता है उससे, ताकि उनके कंसीव होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएं। इसके साथ ही साथ ये जो इंजेक्शन है कंसीविंग में, प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, और ये काफी प्रिस्क्राइब किया जाता है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा। तो काफी चांस होते हैं इस इंजेक्शन को लगाते समय कि महिला को जो कंसीविंग हो जाती है, फिर प्रेगनेंसी हो जाती है, रुक जाती है। फर्टिजाइन जो है ये हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में भी, जो पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन मैं बताना चाहूंगा कि एक हार्मोन्स होता है जो कि पुरुषों के अंदर नेचुरली बनता है, और ये टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन्स को भी बढ़ाने का काम करता है इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन आप समझ सकते हैं कि महिला और पुरुष दोनों को भी लगाने की सलाह दी जा सकती है, डिपेंड करता है उनकी कंडीशन पे। इसके अलावा ये स्पर्म के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, जिन पुरुषों में स्पर्म की कमी होती है, स्पर्म के जो है शुक्राणु की कमी होती है, तो उन पुरुषों को भी लगाने की सलाह दी जाती है, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये जो इंजेक्शन है काफी बेहतरीन काम करता है अपना, इसमें काफी अच्छे रोल प्ले करता है। इस इंजेक्शन को दोस्तों जो है प्रेगनेंसी में भी लगाया जाता है, ताकि प्रेगनेंसी, जैसे अगर मान लो किसी को प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो उसके बाद में भी इसको लगाया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो डर रहता है कि यही रहता है कि जो है अबॉर्शन ना हो पाए खुद से, या फिर अबॉर्ट ना हो पाए बेबी, तो इस उससे बचाने के लिए इस इंजेक्शन को लगाने की सलाह दी जाती है, ताकि अबॉर्शन से बच सकें आप, और उससे बचाने के लिए ये इंजेक्शन लगाने की सलाह दी जाती है। इतने सारे फायदे होते हैं दोस्तों इस इंजेक्शन के। अब जानते हैं साइड इफेक्ट के बारे में, कि इसका साइड इफेक्ट होता है कि नहीं होता। तो जी हाँ दोस्तों, साइड इफेक्ट बिल्कुल होते हैं, जैसे कि आपको नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, या फिर हेडेक, आपके सिर में दर्द हो सकता है, आपको फैटिक सा कमजोरी से दे सकता है इंजेक्शन, इरिटेशन हो सकती है आपको, या फिर जहां पर आपके इंजेक्शन लगा है, जो IM इंजेक्शन लगता है, तो मांस में जहां पर आपके इंजेक्शन लगा है, तो वहां पर आपके दर्द रह सकता है, फिर गांठ वगैरह बन सकती है, क्योंकि थोड़ा सा ऑयली टाइप का इंजेक्शन होता है। अब जानते हैं इसकी डोज के बारे में, और डोज जो है डिपेंड करती है दोस्तों मरीज की कंडीशन पे, एज पर। हालांकि इसको एडल्ट में ही दिया जाता है, तो इसका जो डोज दिया जाता है, इसको IM लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर, मांस के अंदर इसको लगाना होता है, ग्लूटियस मसल्स में इसको लगा देते हैं, हिप के साइड में। इसको जो लगाने की सलाह दी जाती है वीकली दी जाती है, मतलब हफ्ते में एक इंजेक्शन लगाने की सलाह दी जाती है। बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, पता करें, इसको खुद से नहीं लगाया जाता, डॉक्टर की सलाह पर ही इसको लगाना होता है। ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है, तो आपको खुद से नहीं मिलेगी, डॉक्टर के पर्चे पर ही आप इसको लगा सकते हैं डॉक्टर से पता करके। तो दोस्तों ये हमने आपको फर्टिजाइन HP 5000 इंजेक्शन के बारे में काफी अच्छे से नॉलेज दी। कैसी लगी आपको जानकारी, आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट।